आंटी जी अंकल जी ऐसे बैठे हुए जैसे लग रहा है सेल्फी खिंचाने के लिए बैठे हुए। नहीं अभी हम खाना बना के आए हैं तो यहाँ कूलर चालू किया है और यहाँ बैठे हैं, एसी तो चल नहीं रहा है इसमें, पूरा एसी का पार्ट एक एक पार्ट खुल गया है, खुल गया है उसका पार्ट पूर्जा सब खुला गया है, फिर भी अभी बारिश हो रही है ना, बनेगा कि नहीं बनेगा कोई गारंटी नहीं है। तो गाइस गए हैं तो खाना झट से बना दिए हैं, 9:30 हो रहा है, 9 बजे ढुके हैं किचन में और आधा घंटा के अंदर रोटी सब्जी बन गया है चावल। तो कितना ज़्यादा बनाना है कि आधा घंटा के अंदर 10 गो रोटी भी इसको बनेगा, 10 गो रोटी बनाए हैं, चावल बनाए हैं, चावल बन गया, सब्जी बन गया, मशरूम पनीर का सब्जी एक बार मिक्स करके बना, कितना टाइम लगता है तो आप लोग जाकर देखिएगा। ये बताइए अंकल जी, मगर आंटी जी का ना आज साड़ी बहुत अच्छा लग रहा है। सुने का बोल रहा है अंकल जी, आंटी जी का साड़ी बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो और भी सुंदर लग रहा है, डॉल डॉल डिजाइन बना हुआ है, इसमें बहुत खूबसूरत साड़ी है, ये दोबारा सचिन के नहीं 10 वर्ष ऊपर पहना है, सचिन के शादी में कई साड़ी है जो कि इमली घोटाने के टाइम पहने थे ये साड़ी, मगर गाइस इनका ये देखो ना कितना सुंदर लग रहा है, और इस बार भी कोई साड़ी हमको अच्छा सा लेना पड़ेगा शादी के लिए, साड़ी खरीदाएगा रानी कलर का लेंगे कल के बाद, उसका मैच लेंगे आज पीला, हाँ हम तो मैच लेंगे, लड़की से मैच खरीदेंगे, अपनी बेटी से मैच खरीदेंगे, आप पहनेंगे उसी तरह का होना चाहिए ना ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आपको आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, हम तो जिस चीज़ को अब भूलते जा रहे थे, लग रहा था कि अब मुझे अब भूल जाना चाहिए, कि अब कहता भी था मैं कि अब मुझे क्या फिक्र है ना, शादी ब्याह नहीं करना है, बेटी के लिए कहीं नहीं जाना है, बेटा के लिए नहीं कहीं जाना है, लेकिन आज मुझे लगा कि मैं गलती कर रहा था, मुझे अब ये बोलना चाहिए कि अभी भी मैं बेटी का शादी कर सकता हूँ, बेटों की शादी अभी हम लोग 10 बेटी का शादी करना है, कर सकते हैं, जितने मेरे दोस्त मित्र लोग आए सब लोग कहे अरे सर आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वाकई में उसका तो मैं ऋणी हूँ ना, मेरा ऑडियंस भी सब खुश है इस चीज़ से, सारे लोग हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, सब लोग बधाई दे रहे हैं, बोल रहे हैं आंटी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा है करना चाहिए। तो गाइस एक बात बता रहे हैं आप लोग से कि पहले जो भी बात था हुआ हो रहा है सब बात अलग है, लेकिन अपने फैमिली से हट के हम अपने आप को रख के सोच रहे हैं कि जिसका कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई नहीं रहता है उसके ऊपर कितना क्या बीतता है, जिसके माँ है, बाप है, सास है, ससुर है, सब कुछ है, उसको क्या हेडेक है, क्या चिंता है कि नहीं, जिसका कोई नहीं इस दुनिया में है, रोड पे जो बच्चे अनाथ रहते हैं उन पर क्या गुजरता होगा। हम एक दिन गए थे स्टेशन, जा रहे थे कहीं तो देखे कि गाड़ी में जो आम का अथी होता है ना, सेब केला सब रखता है लोग गाड़ी ट्रक में, तो ट्रक से उतर रहा था ना, तो उसमें से एक केला गिरा पाँक में, पूरा पाँक में था, और छोटू के जैसा लड़का था, तुम्हारे ही इतना छोटा मैंने था लड़का, एक जैसे गिरा उठाया और ऐसे छीला और उसको खा गया, हम उसको देखते रह गए, हम ले गए रे आप नहीं थे उस समय, उसको बुला के बोले बाबू तुम्हारा घर कहाँ है, तो बोला कि भागने लगा, हमें क्या बात है, बोलो इधर आओ, तो आया पास में, तो उसको 10 रुपया हम दिए, बोले जा आधा दर्जन केला खरीद के खा लेना, खुशी खुशी चला गया। तो ऐसे ऐसे आदमी को मदद करना है, करना चाहिए, और भगवान उसी में बसते हैं कि जो सच्चे दिल से सच्चे भाव से करे, ताकि दिखावा ना करे, दिखावा करने से कोई फायदा नहीं है, ये सब करने से उससे अच्छा आप कीजिए ही मत, तो हमारा यही सोच है, और बहुत अच्छा है ये काम, समाज में सब काम होना चाहिए, और जहाँ तक हमारी जो खुशियाँ लौटी हैं इस शादी के माध्यम से, हमको बहुत कुछ एक सीख मिल रहा है, और मैं आज बैठ के अकेले बहुत सारी बातों पर मंथन कर रहा था कि ईश्वर ने इसके पिछले 5 वर्षों में जो मैंने देखा है उन लोगों के परिवार से, 4 साल
वही मैंने 4-5 साल तो हो गया। वैसे तो 2013 में मैंने उनको आज एक फोटो निकाला है, 2000 मैंने उनको सर्टिफिकेट दिया था सोशल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया से स्कूल चलाने का। तो लगा फिर भी हम लोगों का रिलेशन इतना बढ़िया बन गया था कि बाबा धाम जाना, आपके साथ जाना जैसे एकदम हो गया था और बहुत अच्छा संबंध था और अच्छा हो गया। अभी संबंध तो अमित अच्छा है और मेरी 2 बेटियां हैं अभी, जिसकी मैं एक शादी कर रहा हूँ। और हमारी ताकत हमारे लोग हैं, हमारे संगठन के भी लोग हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे दोस्त मित्र हैं, सभी लोग हैं। हमको अच्छा लग रहा है, हमको हम दिल से काम कर रहे हैं और इसमें हम पूर्ण रूप से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और करूँ भी क्यों नहीं, क्योंकि मुझे दोबारा ही खुशी मिल रहा है। मैं पूजा का शादी किया था तो मुझे लगा था कि ऐसे वैसे जो करना था किए, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हमको और ऊर्जा के साथ काम करना है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है ना कि अभी जिस काम को हम कर रहे हैं, आज मेरे साथ बहुत लोग हैं और पूरा मेरा परिवार, मेरे को कोई रोक नहीं पाता है। मेरा बेटा, बेटी, मेरी बहू, मेरे को कोई कुछ बोल नहीं रहा है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहा है। सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि पापा ऐसे काम कर रहे हैं, सब लोग पूरा फैमिली सपोर्ट कर रहा है। तो ये और सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस उम्र में जब कुछ हो जाता है तो लोग पूछता है कि अब कौन कैसे करेंगे, वैसे करेंगे। इसलिए हमको लगता है कि ये काम बहुत ही अच्छा है। और मैडम को भी मैडम भी सपोर्ट ज़्यादा करती हैं, हम जो नहीं चाहते हैं वो भी कर रहे हैं, तो और अच्छा लग रहा है, करना भी चाहिए। और आज से हम लोग यही कहेंगे कि हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल सहयोग कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। किसी तरह का दिखावापन हम लोगों को नहीं करना है। जो चीज़ है ओरिजिनल है। जो मैडम एक बात बोली है, साथ क्या जाएगा, साथ यही जाएगा कि आपने इस धरती पर रह करके क्या किया। अपने लिए तो सब लोग करते हैं, अपना घर, अपना गाड़ी, अपना बंगला, सब लोग करते हैं। अगर हम उसमें से थोड़ा सा खुशी अगर दूसरे को देते हैं ना, तो वो इतना बड़ा खुशी उसके लिए होता है। मेरे लिए थोड़ा सा होता है। हम लोग सोचते हैं कि क्या है, एक कप पानी है, एक कप दूध है, लेकिन उसको जो आदमी को ज़रूरत है, जिसको ख्वाहिश है, उसके लिए बहुत उसके लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम सोचते हैं कि मेरे पास भगवान सब कुछ दिया है, अगर हम उसको थोड़ा सा उसमें से दे देते हैं, प्यार कर देते हैं, उससे उसका अच्छा हो जाएगा। इसीलिए ये सब और हम सपोर्ट में। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कोई काम आप करने जा रहे हैं तो दो तरह की बात होती है। एक आपको पीठ थपथपाना आगे बढ़ाने के, एक होता है आपके पैर को खींचना। तो आज की डेट में हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं, मेरे से बड़े बुजुर्ग हैं, वो लोग मेरे को सपोर्ट करता है और हमको लग रहा है कि हम निक काम करते हैं। और आज हम जितने लोगों से बात किए, सब लोगों ने कहा कि अरे वाह, इससे बढ़ के खुशी बहुत है, हम आपके साथ हैं, आपके कोई कोई भी परेशानी हो तो थोड़ा सा कोई चीज़ खुशी दे रहा है ना, उससे चरगुने बेसी खुशी हम लोग को मिल रहा है। ये देख रहे हैं कि नहीं, हर चीज़ से हम खुश हैं, कोई हमको कमी नहीं है ना, कोई कुछ है, छोटा मोटा कुछ कुछ है तो चलते रहेगा, लाइफ है, जीवन का सब है, चलते रहता है। देखिए आप कहीं से भी कुछ कीजिए, लेकिन परिवार का जब कोऑपरेशन रहता है ना, तो उससे बड़ा सुख कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और जब आप कुछ भी करें लेकिन परिवार अगर आपको साथ नहीं दे, सपोर्ट नहीं करता, सब तो आप समझिए कि बहुत गलत बात हो जाता सब है। लेकिन आज के डेट में हम देख रहे हैं कि भाई से लेके, बहन से लेके, रिलेटिव से लेके, बेटा बेटी, बहू से लेके, हर कोई यही बोल रहा है कि अरे वाह कितना अच्छा काम है। तो अच्छा कहते कहते भी और अच्छा हो जाता है, इसलिए अच्छा है और करना भी है।
सच्चाई के साथ करना है। भले कोई सच का साथ कोई कुछ भी कहे, बड़ाई करे ना करे, हमको बड़ाई नहीं चाहिए, हमको हमारा फर्ज है, हम कर रहे हैं। माता जी का बस आशीर्वाद चाहिए, ऑडियंस का आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए कि हम इस कदम को जो उठाएं अपना, और बहुत लोग पूछता भी है संपन्न कर लें ये कौन है, बेटी तो बस है, मैं ये कहना चाहता मेरी बेटी हूं है। कि मेरी बेटी है और मेरे परिवार की एक अभिन्न अंग है और हम लोग अब आज से मेरा चार बच्चे हैं, हम दो बेटियां दो बेटे, चार हो गए, चारों दो हम, छह आदमी हैं अभी, और दो बहू आ गई, एक दामाद आ गए, दो नाती हो गए, ये सब फैमिली अब बढ़ते जाएगा दिन पर दिन। भगवान सबको स्वस्थ रखे। वीडियो कराने देते हैं यहीं तक, वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, खूब सब्सक्राइब कीजिएगा, हर एक चीज़ आप लोग को हम शेयर करेंगे, दिखाएंगे, मेरे ब्लॉग पे आप लोग आइएगा, खूब प्यार दीजिएगा भर भर के, और आप लोग के ही मदद से सब कुछ हम कर रहे हैं, नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। बस आप लोग भी कहीं इसमें एक पॉइंट या दस पॉइंट आप लोग हैं इसमें, इस नेक काम में आप लोग का सपोर्ट है मेरे लिए, इसलिए हम ये आप लोग का सपोर्ट के हिसाब से ही हम कर रहे हैं। नहीं, तो इस काम को लेके जो आप और हम लोग हम सब मिलके कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे सारे ऑडियंस हैं, सब लोग हैं, सारे व्यूअर्स हैं, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं सपोर्ट है मेरे फैमिली में, उत्साहित नहीं मेरे करते फैमिली में मेरे पूरे फैमिली का, सचिन है या प्रिंस है या हमारा चैनल, यूं कहिए ना कि जिसका पूजा का है, नहीं सबका है चैनल। आप लोग अगर चाहेंगे तो रातों रात लोग को स्टार बना देंगे, आप लोग चाहेंगे तो रातों रात भिखारी बना देंगे, तो ये आप लोग के हाथ में शक्ति है, पावर है, आप लोग जो चाहेंगे कर सकते हैं। तो बस हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अच्छे से मेरा ये जो भी हम कर रहे हैं इसको अच्छे अच्छे खुशी खुशी से आप लोग प्रे कीजिएगा कि हम निकाल लें, बस यही आज की बात है। और आप लोग अपना प्यार, आपका सपोर्ट, हाँ आपका सपोर्ट ही बता देगा कि हम गलत हैं या सही, सही है। बस यही दिल खूब दीजिएगा लोग आप लोग। अच्छा गाइस एक और बात है, आंटी जी का साड़ी बताते जाना कैसा लग रहा है। सब अलग अलग पहनेंगे साड़ी, मेरे पास है अलग अलग सब साड़ी पहन लेगा, ये तो कामना संजोग से मिल गया है हमको कि फिर शादी हो रहा है, फिर अच्छे से सब कुछ करना है। तो चलिए आप लोग बने रहिए।